नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन, साधना न्यूज में आप सबका स्वागत है। आपको लिए चलते हैं संसाधनों से संपन्न झारखंड राज्य के उस मौजूदा दौर में जहां केवल अंधेरा ही अंधेरा छाया है। प्रदेश के विकास की बिसात बिछाकर सियासतदानों ने जहां इतिहास के पन्नों पर केवल कालिख ही कालिख पोत दी है, झारखंड को पाखंड का अखाड़ा बनाकर रख दिया है। खंड खंड होते झारखंड पर हम कोई बात शुरू करें उसके पहले हम आपको यह दुखद दृश्य दिखाते हैं। यह उन वनवासियों की तस्वीर है जिनके विकास के नारों को बेच बेच कर बिहार का विभाजन कराया गया और झारखंड राज्य बनाकर अब उसे नोच नोच कर खाया जा रहा है। झारखंड राज्य के जिन आदिवासियों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनकी यह तस्वीरें ताजा हैं, लेकिन उनकी बदहाली बहुत पुरानी। अब आप झारखंड राज्य के सियासी अलंबरदारों के चेहरे देखिए। ये नेता भी उन्हीं आदिवासी जातियों से आते हैं, लेकिन अब ये झारखंड के कुलीन चेहरे हैं। खंड खंड होते झारखंड की हम लगातार परतें खोलने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि नए राज्य को लेकर लोगों ने जो सपने बुने थे, उनके जो ख्वाब थे, वह आज कैसे खिल खिल होकर बिखर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और सिपाही से लेकर सिपाह सालार तक प्रदेश को लूटने में लगा है। झारखंड नोच खसोट का अड्डा बनकर रह गया है। बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चारा खा लिया, लेकिन झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और मंत्रियों एनोस एक्का, हरि नारायण राय, कमलेश सिंह, भानु प्रताप शाही, दुलाल भुइया, बंधु तिर्की, चंद्र प्रकाश चौधरी और ऐसे जाने कितने लोगों ने पूरे प्रदेश को ही चारा समझकर खा लिया है। जी हां, भ्रष्टाचार ने झारखंड प्रदेश को मजबूती से जकड़ लिया है और कानून कमजोर पकड़ वाला साबित हो रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की बात करें या भ्रष्टाचार के कोलतार में डूबे तमाम मंत्रियों के कारनामों की, सब अदालती गुत्थी में उलझे हैं। लेकिन हम खोलेंगे मुख्यमंत्री, मंत्री और उन तमाम नौकरशाहों सियासतदानों के भ्रष्टाचार के पेचोखम, उसकी गुत्थियां, बताएंगे कौन है वे दो मंत्री जो किसी भी समय हो सकते हैं गिरफ्तार, वशर्ते नई सियासत, कोई नए पेच सामने ना आ जाए। झारखंड हाईकोर्ट में मंत्रियों के भ्रष्टाचार मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले दुर्गा उरांव के वकील राजीव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, हम उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार राजीव भाई, मैं साधना न्यूज से बात कर रहा हूँ, दिल्ली से। दुर्गा उरांव एडवोकेट बोल रहे हैं। हाँ राजीव जी, आप दुर्गा उरांव वाले मामले में जो पिटीशन है उसके आप वकील हैं, तो कृपया आप संक्षिप्त में बताएं कि क्या क्या डेवलपमेंट है। देखिए, कल सुनवाई हुई है, सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है, प्रतिशपथ पत्र दायर करके ये बताना था कोर्ट को। उच्च न्यायालय द्वारा ये माना गया कि इन लोगों का टाल मटोल का रवैया काफी दिनों से चल रहा है जी। सरकार भी नहीं चाहती है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रहा जी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सभी मंत्रियों को नोटिस इशू किया गया। सरकार का सबसे विचित्र स्थिति ये है कि उनके जो महाधिवक्ता साहब है वो अपीयर नहीं कर रहे थे। जब सरकार का रवैया इस तरह का ढुलमुल है और वो टालू रवैया है, तो राष्ट्रपति शासन में विजिलेंस विभाग जो सरकार के तहत काम करता है वह इन मंत्रियों के खिलाफ, खासतौर पर एनोस एक्का और हरि नारायण राय के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है और उससे क्या अपेक्षा रखी जाए? जो स्थिति है, पिछले 8 सालों में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किसी को पकड़ा नहीं है आज तक, एक्सेप्ट शास्त्री एम्प्लॉई। कोई भी सीनियर ब्यूरोक्रेट या कोई भी मंत्री के हाथ डालने के पहले इनको 1000 बार सोचना पड़ेगा। कवायद चल रही है, इसको कैसे भी डिले किया। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे झारखंड हाईकोर्ट के प्रखर वकील राजीव कुमार। इन्होंने जो बाद में ये बात कही कि विजिलेंस विभाग से भी बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती, हम भी इससे इत्तफाक रखते हैं। बहरहाल झारखंड की अवनति यात्रा के दुखद दृश्य देखने का सिलसिला हम जारी रखते हैं। हम लौटते हैं छोटे से एक ब्रेक के बाद।